हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। बार बार अटेम्प्ट नहीं, एक बार में ही मिलेगी मेडिकल और इंजीनियरिंग में सफलता। अपराजिता विद्या कुंज, प्रोफेसर कॉलोनी दिग्घी वेस्ट दरभंगा, टारगेट बैच फॉर नीट एंड जी, कोर प्लिंथ एंड नर्चर बैच फॉर गारंटीड सक्सेस। कलयुगी पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर लाश को बोरे में रखकर लगाया ठिकाना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस वक्त यह बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, दरभंगा के लहेरिया सराय से आ रही है बड़ी खबर, जहां लहेरिया सराय के बाकरगंज मोहल्ले में एक कलयुगी पत्नी ने अपने पति की हत्या कर लाश को बोरे में रखकर आधी रात को रात के अंधेरे में ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने फिलहाल मृतक की पत्नी को और उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में सूत्रों से जो जानकारी मिली है और पुलिस जो बता रही है उसके अनुसार प्रेम प्रसंग की संभावना भी बन रही है। इसमें पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर दी है। पत्नी और उसकी मां को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज मोहल्ला निवासी अरविंद कुमार की हत्या का आरोप उसकी पत्नी पर ही लगा है। बताया जा रहा है कि पत्नी ने अपने पति की हत्या कर लाश को बोरे में रखकर ठिकाना लगा दिया। 14 सितंबर से अरविंद अपने घर से नहीं निकला था, आस पड़ोस के लोगों ने उसे नहीं देखा था। 15 सितंबर की देर रात उनके घर के गेट के पास बोरे में लाश को बंद कर ठिकाना लगा दिया पत्नी ने। यह आरोप उसकी पत्नी पर है, जिसके बाद बोरे को लहेरिया सराय थाने की पुलिस ने खोला है। शव को पोस्टमार्टम हेतु डीएमसीएच भेजा है। अरविंद कुमार की पत्नी और उसकी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही है, हत्या के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही तमाम सच्चाई से पर्दा हट सकेगा कि आखिर हत्या की वजह क्या है। तो फिलहाल यह बड़ी खबर दरभंगा के लहेरिया सराय से, जहाँ एक कलयुगी पत्नी ने अपने पति की कर दी है हत्या, यही आरोप लगा है उस पर। इसमें कल रात्रि को थाना को सूचना मिली थी और थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां बॉडी को पहले बरामद किया और उसकी पहचान स्थापित की गई। बाकरगंज के अरविंद कुमार का नाम उसमें सामने आया है और वहां पे जो अनुसंधान किया गया, सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए, तो उसमें एक महिला जाती हुई दिखी, उस बॉडी को ले जाती हुई, हैंडल करती हुई, तो उसको अभी पकड़ कर रखा गया है थाने पर। उसी की मृतक की पत्नी है और उससे पूछताछ जारी है। साथ में एफएसएल की टीम भी बुला ली गई है यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए और साक्ष्य संकलन करने के लिए। इसमें महिला जो अभी है हिरासत में उससे पूछताछ की जा रही है। कौन था वो, कितना दिन से मतलब ये था, वो कुछ आपसे दुश्मनी था या मतलब विवाद था? कुछ नहीं। तो अचानक पेपरों से दुश्मनी भी था क्या उस लड़का से? उसका कोई बच्चा अच्छा भी था? एक लड़का है। क्या नाम था उसका जो मरा है पति का? आपका क्या नाम है? अन्नू कुमारी।